हेलो एवरीवन, ये है ऑल न्यू किया सेल्टॉस का एचटीके प्लस वेरिएंट। इसमें किया ने सुपके से कुछ फीचर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स में ऐड किए गए हैं आज इस वीडियो में जानेंगे, एंड ये अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों बन गया है इसके बारे में भी जानेंगे। अब करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ से आपका यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप, यहाँ पे आपका लॉक एंड अनलॉक, यहाँ पे आपका मिरर एडजस्ट के बटन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बस एक ही दिक्कत है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्ड देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेस, और यहाँ पे आपका 1 लीटर बोतल होल्डर। अब इसके अंदर नया एड ऑन किया गया, हाँ, आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आपको म्यूजिक सिस्टम एंड वॉइस कमांड देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ पे आपका लाइट के कंट्रोल्स। अब बात करूँगा MID की, तो फुली डिजिटल इसके अंदर आपको MID देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको MID, यहाँ पे आपका रेस, और यहाँ पे आपका RPM का हो गया। एंड इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स, एंड इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। एवरेज कितना शो कर रही है, सीट बेल्ट रिमाइंडिंग, इसके अंदर सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब जो पहले आपको HTK प्लस वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं आती थी, और ना ही पेट्रोल में ना ही डीजल में ऑफर की जाती थी, बट अब इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं पेट्रोल एंड डीजल में, दोनों में। और यहाँ पे आपको अगर ऑटोमेटिक की आओगे तो यहाँ पे आपको 3 मोड भी देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, 3 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका लाइट के कंट्रोल्स, जिसमें ऑटोमेटिक लाइट भी देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। 10 इंच की आपको इसके अंदर टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इवेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉफी ग्रे फिनिशिंग देखने को मिल जाते हैं। ORM आपको मैनुअली देना गया है, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको एड ऑन किया गया है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है LED लाइट्स, यहाँ पे आपको पेनोरेमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि पहले इसके ऊपर के वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, बट अब आपको HTK प्लस में भी आपको पेनोरेमिक सनरूफ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको 6 एयरबैग भी देखने को मिल जाते हैं। ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो वो काफ़ी डीप ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा हैंड रेस्ट के अंदर स्पेस। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको की रखने का या मोबाइल रखने का स्पेस, ऊपर भी आप यहाँ पे मोबाइल रख सकते हो। एंड ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको 1000 लैंप्स का बटन्स, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट, यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ आपके 3 मोड देखने को मिल जाता है, ड्राइविंग मोड 3। यहाँ पे आपको इस इवेंट के साइड में आपको सिल्वर फिनिशिंग वहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है आपको इंटीरियर ब्लैक। अगर आप इसके अंदर और भी एक कलर एड ऑन कर दिए गए हैं आपको, इसके पहले के वेरिएंट में आपको कलर नहीं मिलता था ब्लैक, बट अब इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरा अब आप इंटीरियर भी लोगे तो इसमें पूरा ब्लैक कलर में दे दिया गया है। सीट की बात करूँ तो फैब्रिक सीट देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं सेकेंड रो की तरफ, इसको कर देते हैं ऑफ, ये हो गया ऑफ। वेलकम, सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको मैनुअली सीट हाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आगे पीछे भी कर सकते हो। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ, अब बात करूँ सेकंड रो में तो यहाँ पे आपको सेकंड रो में कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि पहले सेंटर में आती थी बट सेंटर से पैनोरामिक सनरूफ आने की वजह से आपको यहाँ पे दे दिया गया है LED लाइट। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, 3 आपको इसके अंदर ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल जाते हैं, रियर में आपको AC वेंट, और उसके साइड यहाँ पे आपको 2 टाइप सी पोर्ट, और यहाँ कुछ भी सामान रख सकते हो, भी रख सकते हो।
यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर्स एंड यहाँ पे आपको स्पीकर, यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 3 सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं। बट अब कुछ फीचर एड ऑन किए हैं तो कुछ फीचर्स कम भी किए हैं। यहाँ पे आपको अब हैंडरेस्ट और हेडरेस्ट दोनों भी नहीं देखने को मिलते हैं। फैब्रिक सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपके सीट बेल्ट के सीट बेल्ट रिमाइंडिंग देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको। अब चलते हैं बैक की तरफ। बात करें बैग की तो इसमें आपको मिल जाते हैं कनेक्टिंग टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। इस वेरियंट में भी ऑफर कर दिए गए हैं। इसमें आपको एलईडी टेल लैंप्स, यहाँ पर आपको एलईडी इंडिकेटर्स एंड पूरे कनेक्ट हुए टेल लैंप्स देखने को मिले। यहाँ पर आपको क्या का लोगो एंड वाइपर वॉशर डिफोगर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 4-5 सेंसर देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल एंड साथ में एंटीना भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 15 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अब बात करूँ बूट की तो इसके अंदर आपको फोर 43 का इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे ओपन नहीं किया बट इसके अंदर आप एक्सेसरीज के रूप में आप पार्सल ट्रे भी लगा सकते हो और यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है। बात करो स्पेयर व्हील की तो इसके अंदर आपको 265 सेम साइज़ का आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट से शुरुआत करो इसमें आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एंड क्लासिक ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्या अगर लोगों देखने को मिल जाते हैं। अब बात करो साइड लुक की तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें टायर प्रोफाइल की तो इसके अंदर आपको 205 इसके अंदर आपको 265/65R16 का इसके अंदर आपको टायर देखने को मिल जाते हैं एंड फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग के बैक की बात करूँ तो बैक में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसमें 190mm का इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करें की तो इसमें आपको लॉक एंड अनलॉक एंड होल्ड का बटन देखने को मिल जाए। होल्ड करके रखोगे तो ये आपकी गाड़ी ऑन भी हो जाएगी एंड होल्ड करके रखोगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री सेंसर देखने को मिल जाता है जिससे आप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने आप सभी के। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर।